हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यास तूफान के बारे में दिखाने जा रहा हूं, जो किस तरह से पूरी उत्तर पूर्वी भारत में किस तरह से अपना कहर बरपाया है। देख सकते हैं, जहां भी देखेंगे जलमग्न है पूरा एरिया। और खबर आ रही है दोस्तों कि यहां पर आपको एलियन पाया गया है दरभंगा के शिवपुरी शहर में, जहाँ पर पुलिस प्रशासन ने इसरो को और नासा को संपर्क किया और वहाँ से वैज्ञानिक लोग पहुँचे। और जब उन्होंने उसको देखा दोस्तों, तो उसमें तीन तरह का डीएनए पाया गया। जैसे आगे से उसका जो हिस्सा था वो इंसान का, मानव का हिस्सा है। बीच का जो हिस्सा था दोस्तों है वो जानवर का है। और पिछला जो भाग है वो पक्षी का है दोस्तों। तो तीन तीन डीएनए का वो एक एलियन जैसा वो अजीब ही दिखती है। और जिसने भी उसको अभी तक देखा है दोस्तों, वो बेहोश हो गया है, जो अभी तक होश में नहीं आया। देख सकते हैं किस तरह से हवाएं चल रही है, तेज हवाएं। और जैसे जैसे इनकी कहर कम हो रही है, वैसे वैसे इनकी जो असर हुआ था हुआ चल रहा है, वो अपने पीछे छोड़ के गई है दोस्तों। पूरा उड़ीसा, जरूर बंगाल, बिहार, हर तरफ इनकी कहर देखने को मिलती है। जो एलियन पाया, एलियन जैसे जो मिला है दोस्तों, तब से थोड़ा खतरा बढ़ गया है। तो वैज्ञानिक का मानना है कि इसके संपर्क में जो भी आएगा या जो भी चीज़ें आएंगी, उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है, बहुत ही ज़्यादा डर है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली चमक रही है, किस तरह से समाजम हवा के साथ कुदरत और भी अपना विकराल रूप दिखाती है। देख सकते हैं कि यास तूफान से कितनी बड़ी आपके अगल बगल में भी कुछ ऐसा होता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।